अब सबकी नजर एकनाथ शिंदे पर है। कुछ देर पहले साथियों से शिंदे ने मुलाकात की। गुवाहाटी में उनके साथ 34 विधायक मौजूद हैं, चार और विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं। कल तक दो और विधायक उनके साथ आ सकते हैं, मतलब आंकड़ा 40 तक पहुंच सकता है। एकनाथ शिंदे ने समर्थन की चिट्ठी भी जारी कर दी है। पहली शर्त, कांग्रेस एनसीपी से रिश्ता तोड़ा जाए, दूसरा हिंदुत्व से जुड़ा जाए और तीसरा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। कौन है एकनाथ शिंदे? शिंदे में इतना दम है कि उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म कर सकते हैं। ऐसा क्या है एकनाथ शिंदे में जिसने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है? ऐसा क्या है एकनाथ शिंदे में जिसने पूरी महाविकास अघाड़ी सरकार को ही खतरे में डाल दिया है? ऐसा क्या है एकनाथ शिंदे में जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की राजनीतिक विरासत डगमगाने लगी है? बाला साहेब की भक्ति, अपने गुरु का ज्ञान, हिंदुत्व की शक्ति और जनता के प्रति सम्मान, ये वो ताकत है जिसने एकनाथ शिंदे को ठाकरे से टकराने का हौसला दिया और यही समझने में उद्धव ठाकरे गच्चा खा गए। एकनाथ शिंदे की शक्ति को पहचानने में भूल कर दी। अगर एकनाथ शिंदे खुद को कट्टर शिव सैनिक कहते हैं तो क्यों कहते हैं समझना मुश्किल नहीं है। और एकनाथ शिंदे जब बागी हुए तो अपने ट्वीट में भी इन्हीं चारों बातों का उन्होंने जिक्र किया है। महाविकास अघाड़ी से जब शिवसेना ने रिश्ता जोड़ा तो एकनाथ शिंदे ही थे जिन्होंने सबसे पहले एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने पर सवाल उठाया था और उद्धव ठाकरे को मशविरा भी दिया था। दरअसल एकनाथ शिंदे का दिल महाविकास अघाड़ी से कभी जुड़ ही नहीं पाया था। एकनाथ शिंदे का रिवोल्ट है, सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है, क्योंकि उस रिवोल्ट में सेना को डैमेज किया था। लेकिन इतना डैमेज, इतना ह्यूमिलेशन जो एकनाथ शिंदे ने अपने जो पार्टी के बॉस से उद्धव ठाकरे को किया, उतना किसी ने किया था। ये पहली बार एकनाथ शिंदे ने अपने जो नेता है उद्धव ठाकरे, उनको चैलेंज दिया है और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से खींच रहे हैं। शिंदे के रग रग में शिव सैनिक का खून दौड़ता है, ये तो उन्होंने एक साथ शिव सैनिकों के एक बड़े गुट को उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा कर साबित कर दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे उसी दिन से चुनौती नजर आने लगे जब 3 साल पहले 9 फरवरी साल 2019 में एकनाथ शिंदे के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर महाराष्ट्र में छप गए थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और उद्धव ठाकरे की इच्छा की वजह से उनके सपनों पर पानी फिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के लिए उद्धव राजी हो गए, वरना 59 साल के एकनाथ शिंदे का सीएम बनना तय था। उस वक्त भी मातोश्री के प्रति वफादारी एकनाथ शिंदे ने दिखाई और अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। एकनाथ शिंदे को राजनीति विरासत में नहीं मिली, उन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक और कॉर्पोरेटर से लेकर सीएम पद के दावेदारी तक राजनीतिक सफर तय किया। उद्धव ठाकरे पर आखिर संकट क्यों खड़ा हुआ? एकनाथ शिंदे इतने ताकतवर कैसे बन गए कि उनके एक इशारे पर उद्धव ठाकरे का राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गया? एकनाथ शिंदे को ऊर्जा कहां से मिली? एकनाथ शिंदे की पावर ऑफ सोर्स थे उनके गुरु आनंद दीघे, आनंद दीघे जिनके गुरु थे बाला साहेब ठाकरे। एकनाथ शिंदे अगर कट्टर शिव सैनिक बने और उनकी रगों में अगर एक शिव सैनिक का लहू दौड़ता है तो उसकी वजह यही कनेक्शन है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा से ताल्लुक रखते हैं। 70 के दशक में उनका परिवार महाराष्ट्र के ठाणे में आया। उस वक्त एकनाथ शिंदे की उम्र बहुत कम थी, लेकिन परिवार के जीवन और जीविका के लिए एकनाथ शिंदे को संघर्ष करना पड़ा, काम के लिए भटकना पड़ा। सबसे पहले एकनाथ शिंदे बियर बनाने वाली फैक्ट्री में काम किए। इसके बाद शिंदे ने घर चलाने के लिए ठाणे में ही ऑटो रिक्शा चलाया। उसके बाद आया साल 1980, जब एकनाथ शिंदे ने अपनी सियासी इनिंग की शुरुआत की, शिवसेना में शामिल हुए। लेकिन ये सब आसान नहीं था और उस वक्त
सियासत की सीढ़ी पर चढ़ने का सहारा बने उनके गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे। एकनाथ शिंदे ने आनंद दीघे को अपना आदर्श और राजनीतिक गुरु माना। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब 2019 में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उन्होंने आनंद दीघे का नाम लेकर भी शपथ ली थी। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दीघे साहेबांचं स्मरण करून आनंद दीघे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता था। दीघे ना तो कोई चुनाव लड़ते थे और ना ही किसी पद पर रहना चाहते थे। आनंद दीघे कट्टर हिंदुवादी नेता थे और धर्म को सर्वोपरि मानते थे। बाला साहेब की हर वो बात उनके दिमाग में रची बसी थी। अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की वजह से ही उन्हें धर्मवीर कहा जाने लगा था। वो आनंद दीघे ही थे जिन्होंने शिवसेना को ठाणे में मजबूत किया था और एक कट्टर शिवसैनिक के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। जिस तरह से आनंद दीघे के लिए बाला साहब ठाकरे थे, उसी तरह से एकनाथ शिंदे के लिए आनंद दीघे। उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता आनंद दीघे को अपना सब कुछ मानते हैं। आनंद दीघे ने ही एकनाथ शिंदे को सियासत का कहरा सिखाया। आनंद दीघे की मौत के बाद एकनाथ शिंदे उनके सियासी वारिस बनकर सामने आए। एकनाथ शिंदे ने भी आनंद दीघे के जैसे ही ठाणे से अपनी राजनीति की शुरुआत की, ताकि ठाणे के लोगों को न गुरु की कमी खले और न ही उनका प्यार। एकनाथ शिंदे को गुरु भक्ति और शिवसेना के प्रति वफादारी का इनाम साल 1997 में मिला। आनंद दीघे के आशीर्वाद से एकनाथ शिंदे ठाणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत गए। एकनाथ शिंदे के जीवन पर गुरु आनंद दीघे का इतना ज्यादा असर था कि उनकी लाइफस्टाइल में भी वो झलकने लगा। अपने गुरु आनंद दीघे की तरह एकनाथ शिंदे सफेद ड्रेस में ही दिखते, फुल बाजू की सफेद टी शर्ट, सफेद शर्ट की जेब में दो कलम और ठीक वैसे ही माथे पर लाल टीका जैसा आनंद दीघे लगाते थे। यूं ही कोई एकनाथ शिंदे नहीं बनता, इसके पीछे बड़ी दर्दनाक कहानी है और इस दर्द की दीवार को पार कर एकनाथ शिंदे मजबूत बनकर उभरे। 2000 की बात है जब एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा सदमा लगा। उनके दो मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे सबसे कट चुके थे। इस मुश्किल वक्त में उन्हें उनके गुरु का सहारा मिला। आनंद दीघे ने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा। आनंद दीघे ने एकनाथ शिंदे की ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाउस का लीडर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब शिंदे अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत कर रहे थे, उसी दौरान उनको एक और बड़ा सदमा लगा, जब उनके राजनीतिक गुरु और उनकी ऊर्जा आनंद दीघे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। 18 विधानसभा वाला ठाणे जिला आनंद दीघे की मौत के बाद खाली सा हो गया था, जिसे एकनाथ शिंदे ने भरने की कोशिश की। ठाणे जिले के लिए जो आनंद दीघे थे, उसी तरह से एकनाथ शिंदे भी जनता के लिए मरने जीने लगे। ये तस्वीरें गवाह हैं। जब ठाणे जिले में बाढ़ आई थी तो शिंदे जमीन पर उतरकर जनता के बीच पहुंच गए, और जब कोरोना का वक्त आया तब भी उन्होंने बिना परवाह किए अपने लोगों की मदद की। साल 2004 में पहली बार कोपड़ीपाड़ पाखरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। उसके बाद से ही 4 बार विधानसभा सीट वो जीत चुके हैं। जब 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तो एकनाथ शिंदे का पार्टी में कट बढ़ता चला गया। राज ठाकरे के पार्टी छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता ही गया, लेकिन वो ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। जब 2019 में चौथी बार वो विधानसभा चुनाव में जीत कर आए और विधानसभा पहुंचे, तब एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन सवाल है कि जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर शिंदे क्यों बागी बने? ऐसा क्या हुआ कि कट्टर शिवसैनिक शिवसेना प्रमुख से नाराज हो गया? कहा तो ये जा रहा है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट उसी वक्त से तैयार हो गई थी जब 2019 में उन्हें भावी सीएम बताया जा रहा था और ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, तभी से सीएम न बन पाने की टीस थी।
और जब कोरोना का वक्त आया तो उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी के बावजूद एकनाथ शिंदे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। सरकार की कमान उद्धव और उनके बेटे आदित्य ने अपने हाथों में ले ली। किचन कैबिनेट के लोग जिनमें अनिल परब शामिल हैं उनका कद बढ़ता गया। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में भी एकनाथ शिंदे के बजाय आदित्य ठाकरे के करीबी अनिल परब, अनिल देसाई, विनायक राउत और युवा सेना के वरुण सरदेसाई को जिम्मेदारी दी गई। संजय राउत को भी भाव मिलना एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं था। एनसीपी से अजित पवार जिनके पास वित्त विभाग है उन्होंने आधी कमान सरकार के हाथ में ले ली थी। एकनाथ शिंदे और उनके करीबी विधायकों के काम लटकने लगे, उन्हें फंड नहीं दिया जाता। एकनाथ शिंदे के पास सबसे पावरफुल नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन धीरे धीरे 2021 तक उस विभाग में फैसले लेने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। अधिकारियों के तबादले हों या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, सब फैसले आदित्य ठाकरे की मर्जी से होने लगे। शिवसेना के संगठन में भी आदित्य ठाकरे अपने युवा सेना के लोगों को तरजीह देने लगे। हर मंत्री, हर विधायक के पीछे आदित्य के विश्वास वाले युवा सेना के पदाधिकारी लगाए गए, जो इन सब पर नजर तो रखते ही थे, उनके काम में भी हस्तक्षेप करने लगे, जिससे मंत्री विधायक नाराज होते चले गए। पार्टी में हर बड़े फैसले में, रणनीति बनाने में एकनाथ शिंदे से दूरी रखी जाने लगी। काम करने के बावजूद क्रेडिट न मिलने से शिंदे नाराज थे। आदित्य ठाकरे जो उनके पुत्र है उनका भी ये गवर्नमेंट में प्रोमिनेंस बढ़ता गया। उन्होंने टूरिज्म, एनवायरनमेंट ऐसे मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। उसके बाद में एकनाथ शिंदे जो नंबर टू और नंबर वन के एस्पिरेशन करते थे गवर्नमेंट में और पार्टी में, उनका कद नीचे जाता गया। लेकिन उसके अगेंस्ट में आदित्य ठाकरे उनका कद पार्टी में और गवर्नमेंट में बढ़ता गया। इसी वजह से उनमें और उद्धव ठाकरे और ठाकरे फैमिली में एक नाराजगी बढ़ती गई और उसका एक मेन रीजन ये रिवोल्ट के पीछे है। ये तस्वीर मुंबई नागपुर बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग की है, जिस पर एकनाथ शिंदे अपनी कार चला रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उनकी सियासत की रफ्तार भी इसी हाईवे से जुड़ी थी, लेकिन 701 किलोमीटर के हाईवे के क्रेडिट को लेकर भी तनाव शुरू हो गया। 2014 में जब शिवसेना के बिना शुरू में बीजेपी ने सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, तब उद्धव ठाकरे ने उनके सबसे करीबी नेता एकनाथ शिंदे को नेता विपक्ष बनाया था। 6 महीने बाद शिवसेना सरकार में शामिल हुई थी और एकनाथ शिंदे पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए। और बताया जा रहा है कि इस हाईवे को लेकर शिंदे और फडणवीस के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब भी एकनाथ शिंदे मंत्री थे और राजनीतिक तौर पर उनकी तूती बोलती थी। लेकिन 20 जून के एमएलसी चुनाव के बाद तस्वीर बदल गई। 20 जून को एमएलसी चुनाव के दिन एकनाथ शिंदे सुबह 8 बजे विधान भवन पहुंचे तो उद्धव ठाकरे सुबह 11 बजे विधान भवन पहुंचे। जो शिंदे सभी विधायकों को इकट्ठा कर विधान भवन लाए थे, वहां उद्धव ठाकरे ने एक एक विधायक से अलग अलग बात की और चुनाव के दिशा निर्देश दिए। लेकिन जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के कमरे में जाने लगे तो उन्हें रोका गया। ये आखिरी अपमान था। एमएलसी चुनाव के नतीजे आते ही शिंदे अपने विधायकों को लेकर सूरत रवाना हो गए। ये एक लौता मामला नहीं था। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की आसपास की कोटरी से एकनाथ शिंदे नाराज थे, लेकिन एमएलसी चुनाव में वोटिंग के बाद उन्होंने अपना अंतिम दांव चल दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।